पंजाब में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि पंजाब में ब्लैकआउट होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। दूसरी तरफ नगर निगम द्वारा गौशाला मार्ग पर लगाई एलईडी स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी जलती रहती हैं, जिससे बिजली की बर्बादी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांगी है। इस बारे में नगर निगम के जेई नरेश कुमार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला ध्यान में आया है, जाँच करवा कर हल करवा दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने पिछले बीते दिनों के अंदर चार साल की नाकामिया ही नाकामिया ने और एक नवी नाकामी जड़ी है वो अपने पठानकोट प्रशासन द्वारा आज देखी गई है कि बिजली काल का संकट साढ़े सिर ते गहरा रहा और गौशाला रोड दी जिहड़ियां लाइटां दिन चरिया जगमग जगमग कर रही हैं। वैसे तो पंजाब सरकार ने इन बीते चार साल के अंदर किसी को कुछ दिता नहीं, लेकिन हम दिवाली आ रही है तो बेनती है जी बचा लो पंजाब नूं, कितने इस दिवाली नूं अंधेरा ना दे दियो। इस पठानकोट की जनता नूं मैं निगम प्रशासन के लोगों नूं निवेदन करदा हां कि जिहड़ा संकट है साढ़े शहर के आ रहा उहनूं अणगहली ना रखते हुए इसका ध्यान रखन और जिहड़ियां भी इंस्ट्रक्शंस लागू करनी चाहिए इस वेले वो जरूर लागू करन और पब्लिक नूं भी आगाह करन कि वह घट तो घट बिजली यूज करन ताकि शहर नूं बचाया जा सके और जिहड़ी आने वाली दिवाली है वह भी खुशियां भरी हो सारे लिए। Queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.